हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा NPR स्टडी अकैडमी विच। तो अज देखते हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ सम। तो की है सम विच राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलीनोमियल्स। तो नीचे अपन कुछ पोलीनोमियल्स दिते होंगे, ठीक है, पोलीनोमियल्स। तो उन्होंने आप डिग्री दसनी है। हेठां दिते बहुपद, यानी कि बहुपद दिते होंगे, विचों हरेक बहुपद की घात लिखो। तो आप घात दसनी है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इन ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। तो की है फस्ट सम फोर्थ का, 5x3 प्लस 4x2 प्लस 7x, ठीक है। फस्ट सम तुसी देख रहे होंगे। तो देखो सब तो पहले x की घात अपने को कितनी है, तुसी इत्थे लिख भी सकते हो। पहले जेड़े अपने को वेरिएबल जो चल दिता, उत्थे x की घात 3 है, ठीक है। दूसरे च x की घात 2 है, ते सब तो जो लास्ट ते 7x। इतने x की घात नहीं है, तो मतलब x की घात 1 है, ठीक है। ये रफ वर्क च लिखना, तुसी नाल नहीं लिखना। तो की आजूगा, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलीनोमियल इज इक्वल टू 3। तो यह आंसर आजूगा के नीचे पंजाबी वाले लिखणगे, बहुपद की घात इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखते हैं सैकेंड सम। तो सैकेंड सम च की अपने को 4 - y2। हुण देखो 4 दे नाल y तो नहीं है, तो इतने अपन वैसे तो अपन पता लग ही रहा हाईएसट पावर y की पावर 2 है, पर जो तुम फिर भी देखना चाहो 4 दे नाल आप y लिख सकते हैं, तो y की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि 0 नूं जदों किसी भी चीज़ की पावर 0 होंदी है, मान लो x की पावर 0 है तो की 1 है, 1 की पावर 0 है तो 1 है, 2 की पावर 0 है तो भी की है 1 है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होंदा है। तो आप y की पावर 0 इत्थे लिख सकते हैं, माइनस y की पावर अपने को कितनी है 2। तो की है हाईएस्ट पावर अपने को कितनी आ गई 2। तो की लिखांगे, डिग्री ऑफ, जां तुसीं सिंपल पहले लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो की लिखांगे फिर आप, डिग्री ऑफ पोलीनोमियल इज इक्वल टू 2। तो पंजाबी वाले लिखणगे, बहुपद की घात इज इक्वल टू 2। सिंपल तुसी इन्नी वर्डिंग नहीं लिखनी, तो सिंपल भी लिख सकते हो जो उन्होंने क्वेश्चन के पूछा, डिग्री ऑफ पोलीनोमियल इज इक्वल टू 2, घात इक्वल बहुपद की घात इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं थर्ड सम। तो थर्ड सम के अपने को है स्टेटमेंट 5t - √7। तो उस तरह ही 5 के नाल टी है, टी की पावर आपको पता इतने कुछ नहीं दिती, तो जेकर टी दिता तो उनकी पावर किन्नी हो जाएगी 1 - √7। इन्दे नाल टी नहीं दिता तो आप लिख भी सकते हैं टी की पावर की आ जाएगी 0, ठीक है। तो की आजूगा, डिग्री ऑफ पोलीनोमियल इज इक्वल टू 1। तो पंजाबी वाले लिखणगे, बहुपद की घात, सॉरी, ठीक है, बहुपद की घात इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं फोर्थ सम। तो फोर्थ सम दे विच सिर्फ अपने को कितना दिता है 3। तो 3 दे नाल जेकर आप y की पावर जोड़नी हो तो आप 0 लिख के y की पावर बना सकते हैं, क्योंकि y वेरिएबल इतने दिता ही नहीं है। जे y की पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 3 नाल मल्टीप्लाई करके 3 बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पै रहा। तो आप की लिखांगे, डिग्री ऑफ पोलीनोमियल इज इक्वल टू 0। तो की आजूगा, बहुपद की घात इज इक्वल टू 0। तो यह फोर्थ सम। सम वैसे ही इंपोर्टेंट है, आना तो 1-2 नंबर से ही है।